गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग. मोस्ट वेलकम द मॉडर्न वे टू स्टडी. और आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स के बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नंबर 3. और आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है हाउ टू ऐड डेसिमल नंबर. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम ऐड कैसे करते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको डेसिमल नंबर को ऐड करना नहीं बताया था. तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान में याद रखने वाला था सही से, कि वो क्या था कि अगर हमारे पास दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर लिखे हैं, जैसे 3, 4, 6, 7, 0, ये, और हमें इसे ऐड करना है क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी में हैं, दोनों माइनस में हैं, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो मैंने आपसे कहा था कि ये इसका लास्ट वाला एग्जैक्टली इसके लास्ट वाले के नीचे होना चाहिए. हमें इन दोनों को ऊपर नीचे करके ऐसे लिखना होता है कि इसका लास्ट वाला इसके लास्ट वाले के एग्जैक्टली नीचे आए. और अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. लेकिन जब डेसिमल नंबर की बात हो, सपोज कीजिए डेसिमल नंबर कौन से होते हैं जिसमें पॉइंट होता है, जैसे इसमें यहाँ पॉइंट है और इसमें मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है. तो इन दोनों में यहाँ पॉइंट आ जाए, तो जब दोनों ही डेसिमल नंबर होते हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. फिलहाल ऐड के लिए लेकर के बात करेंगे हम इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं. बस सिर्फ इसमें भी एक ही पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये पॉइंट इस वाले नंबर का पॉइंट इस वाले नंबर के पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आए. हमें लास्ट वाला नंबर अब नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये पॉइंट देखना है. ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए. जैसे कि 3, 4, 6, 7, 0, 7. अब मुझे ये वाला नंबर इसके नंबर के नीचे एडजस्ट ऐसा करना है कि ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आए. तो मैं सबसे पहला पॉइंट ही लगा देता हूँ. पॉइंट के बाद है 7, 5, 7 and 5 लिख दिया मैंने. उससे पहले 4, 0, 4, 0, 4, 0 लिखो या मत लिखो, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है, छोड़ दो, हटाओ. तो इन दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया है. अब जो नंबर एक्स्ट्रा हो गया है इधर, तो उसके नीचे आप अपने पास से 0 डाल दीजिए और जो इधर है वहाँ पे भी एक्स्ट्रा 0 लिख दीजिए. अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो. 7 में आपने 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपके पास? 7 रुपये. मैंने आपको पहले ही बताया था 7 रुपये है, किसी ने 0 रुपये दे दिया, आपके पास कितना होगा? 7 ही रहेंगे. तो 7, 0 में आपने 0 ऐड किया तो 0 आ जाएगा. 7 and 5 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12. 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा. 6 और 7 ये हमारा हो जाएगा 13. 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 14. 14 का 4, 1 हमारा अभी भी कैरी है. अब जब पॉइंट आएगा तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट ही लगाएंगे. पॉइंट के नीचे हम पॉइंट ही लगाएंगे. 4 and 4 हो जाएगा 8. 1 जो हमारा कैरी है वो इसमें ऐड होकर हो जाएगा 9. 3 का 3 लिख देंगे, इसमें 0 ऐड होगा, 4 में भी 0 ऐड होगा. ये आपका आंसर आ गया. इस आंसर को आप यहाँ लिख सकते हो 4, 3, 9.4207. और ये आंसर आपका नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों ही नंबर आपके जो है वो नेगेटिव है. ऐड करने पर आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा. चलिए अब जब दोनों ही नंबर डेसिमल होंगे तो आप उन दोनों को ऐड कैसे करोगे ये आप जान चुके हो. अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक नंबर तो डेसिमल है लेकिन दूसरा नहीं है. जैसे 8534.69, इसमें आपको ऐड करना है 9243. इस नंबर को इस नंबर में आप कैसे ऐड करोगे? एक आपका डेसिमल है, दूसरा आपका डेसिमल नहीं है. तो इन ऐसे नंबर्स को ऐड करने के लिए जो डेसिमल नहीं होता है उसमें हम लास्ट में अपने पास से यहाँ पॉइंट लगा देते हैं. लास्ट में हम पॉइंट लगा देंगे. अब किसी भी नंबर को ऊपर नीचे करके ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके नंबर इस वाले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आए. जैसे 8534.69, ये वाला पॉइंट इसके नीचे आएगा 3429. जो एक्स्ट्रा नंबर है वहाँ 0 लाइन खींच देंगे. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 का 9 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 7, 4, 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा, 5, 2, 7 हो जाएगा, 8 and 9 ये आपको हो जाएगा 17. ये आपका आंसर आ गया. अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो.
ये आंसर आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए हमने ऐड कर दिया और आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। बस यही दो पॉइंट्स थे इसमें याद रखने वाले। डेसिमल में जब एक डेसिमल हो दूसरा डेसिमल ना हो तो हम लास्ट में हम पॉइंट मान लेंगे तो वो भी हमारा डेसिमल बन जाएगा, और लास्ट में हम इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ जाए, फिर हम ऐड कर देंगे। जब दोनों ही डेसिमल होते हैं तब तो सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट को ऐड करो, एडजस्ट करो और ऐड कर दो। और एडिशन के अंदर जितना भी था आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।